प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के अवसर पर नई दिल्ली के अशोका होटल में आयोजित कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने पुरस्कृत बच्चों का अभिवादन करते हुए कहा है कि ये वे बच्चे हैं जिन्होंने अपने सपनों की पूर्ति की राह में उमड़िया शारीरिक बाधाओं का भी स्वीकार नहीं किया। मैं इन बालक और बालिकाओं की भावना, संस्कार एवं साहस का सम्मान करती हूँ जिन्होंने अपने कोमल कंधों पर चुनौतियों का भार संभाला और समाज के प्रति योगदान देने के लिए दृढ़ता से काम लिया। बता दें कि प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का उद्देश्य बच्चों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्धियों को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित करना है, साथ ही बच्चों के लिए असाधारण कार्य करने वाले संस्थानों और व्यक्तियों के प्रयासों को मान्यता देना। इसलिए बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार की श्रेणियों के अंतर्गत यह पुरस्कार दिए जाते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार 5 से 18 वर्ष तक के बच्चों को विशेष रूप से नवाचार, सामाजिक सेवा, शैक्षिक खेल, कला और संस्कृति व बहादुरी के क्षेत्रों में दिया जाता है। पुरस्कार में 1,00,000 रुपए नगद पदक और एक प्रमाण पत्र और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। वहीं संस्थानों के लिए 1 पदक, 5 लाख का नगद पुरस्कार और 1 प्रशस्ति पत्र और प्रमाण पत्र शामिल है। पुरस्कृत ये सभी बच्चे 26 जनवरी की परेड में शामिल हो देश के गौरव को बढ़ाएंगे। तो आइए जानते हैं इन्हीं में से कुछ बच्चों के अनुभव। Sanjay Agarwal, I'm with Paritosh Dahiya. He's got the Excellence Award in Innovation. Yes. This is the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2020. Yes. और अभी आज सुबह 23 जनवरी 2020 में जो awardees हैं, 49 awardees, they were taken in the full dress rehearsal. So it is a very proud moment for the country. आपको कैसे लग रहा है पारितोष? Sir, winning this award. Sir, मतलब बहुत अच्छा ये experience है. Once in a lifetime opportunity है कि president से award मिले और कल जैसे हम प्रधानमंत्री कल मिलेंगे प्रधानमंत्री से मिलेंगे और मतलब जैसे अलग अलग कैटेगरीज में जैसे अलग अलग स्टूडेंट्स हैं उनके अचीवमेंट्स से मतलब मिलने का मौका मिलता है, काफ़ी इंस्पिरेशनल भी रहता है। yes. आपका जो अवार्ड है ये इनोवेशन का है। yes, sir. उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे। सर मैं आई हैव डेवलप्ड अ चाइल्ड सेफ वेब ब्राउजर which is based on age estimation using fingerprints. Okay. Like whenever user... It will detect the... Yes, sir. Yes. So how it works, like whenever user like visits any adult website, the computer will first prompt, like first of all, input your fingerprint. And at the same time, at the run time only, I have coded a machine learning. Using machine learning, it will output the age using the fingerprints. Okay, that's something very excellent. And it's if the age is below 18, all these adult websites are automatically blocked. Immediately. So this person who will be using a laptop, yes, will have to have with the fingerprint sensor. Yeah, like many laptop do have already embedded. Already have. And the future is for like sensors. I'm working actually on to make it using face recognition. Also. So that because like many devices don't have like the fingerprint scanner already. Yes. But yes, they do have the front camera. So right, we can use it in Android also, right, in PC so also. How did this come into your mind to get into this? Like, and at what you told me that you were a student of the DAV school at, yes, Sonipat. Yes, sir. So this idea came to you while you were in school? Yes, like in the school and then like sometimes around in locality also. So you have any mentor? Other than your parents, आपकी मदर से हमारी मुलाकात हुई, तो आपके फादर मदर दे मस्ट बी इंस्ट्रूमेंटल, एंड हु एल्स गाइडेड यू इन दिस प्रोसेस? फॉर दैट सर आई वुड लाइक टू मेंशन मिस्टर लाइक डॉक्टर नवीन मलिक। ओके। ही इज प्रोफेसर एट हिंदू कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग सोनीपत। सो ही रेफर्ड मी टू रितेश व्यास, ही इज PhD स्कॉलर एट NIT दिल्ली। ओह, सो यू मेट देम एंड देन दे हेल्प्ड यू इन दिस? ही गाइडेड मी टू ऑल थ्रू इट। राइट। एंड व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? यू सेड यू आर डूइंग योर BTech। यस सर। तो आप BTech के बारे में अभी आप कहाँ पे कर रहे हैं स्टडी? सर आई एम स्टडिंग इन डीक्रस्ट मुरथल हरियाणा, एंड like I want to make my career in the artificial intelligence and in animation industry. Really? Okay, that's a wonderful one. Do you want to be
going abroad to US, or you want to be like sitting in India and doing all this like, work? What are your plans? Like my basic... Study bahar jayenge, phir wapis Hindustan aayenge. Yes, if opportunity is there, I would love to go abroad for studies, but like definitely I will come back to India. It's my ambition to work in my country. It's a very proud moment for our entire country, and I think proud moment for the state of Haryana as well. Thank you, sir. And kal aap log ki shayad mulaqat jo प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने रामनाथ कोविंद जी जब उन्होंने आपको पुरस्कार दिया yes, sir. तो उसमें आपको कैसा वो क्षण कैन यू डिफाइन दैट मोमेंट सर इट्स लाइक बियॉन्ड वर्ड्स इट वाज वेरी आई वाज वेरी इलेटेड टू मीट हिम लाइक एंड लाइक टू रिसीव द अवार्ड एंड अबाउट योर फ्रेंड्स इन योर स्कूल Yes, you know, उसमें they must be very happy. Yeah, like our principal showed live telecast to all the students to of all the school. Students. Right. So I think now we will, at this moment, wish you from our side and from the what do we call the Pradhan Mantri, जैसे बोलते हैं 1.3 billion Indians. Yes. हम लोग उनसे जो है, we extend the wishes yes. to Paridosh and to your family. Thank and you, it's sir. A very proud moment, and we hope you continue your work in innovation. Mm-hmm. And India today, I mean, in the future, we can even see you in the space engineering side, jo ki there's a need because aap jo karne ja rahe hain. Yes, so I think in space also there will be people like you who will be, you know, sending people and jo jin logon ko rokna hai, you'll be stopping them at that point of entry. Yes, sir. Any message you want to give to the youth of today? Like just work and work, like you dream. I like to quote the words of APJ Abdul Kalam. Yes, please. It's about dreams. Dreams are not like what you see when you are asleep. Dreams are those ideas that don't let you go to sleep. Right. So we should work to achieve okay. our dreams. So you attribute your success to the late President Abdul J. Kalam Azad. Yes. Right. Excellent. Thank you so much, Paritosh. Thank you, sir. फ्रेंड्स वी हैव परितोष दहिया और उनके साथ उनकी मदर है हु इज़ अ टीचर एंड अ टीचर इज समथिंग वेरी रिस्पेक्टेड एंड शी इज़ फ्रॉम डीएवी सोनीपत सो उनसे जानना चाहेंगे उनका परिचय वो अपना खुद दें मैं केमिस्ट्री की अध्यापिका हूँ डीएवी मल्टीपर्पज़ पब्लिक स्कूल सेक्टर 15 में एंड मेरा ये सौभाग्य है कि ये मेरा पुत्र भी है और मेरा स्टूडेंट भी है हालांकि मैं केमिस्ट्री की टीचर हूँ मैंने एक प्रोजेक्ट के लिए इसको कहा कि आप कुछ करना चाहते हो तो बायोलॉजी में इसने पहले प्रोजेक्ट किया उसमें मैंने इसकी काफ़ी मदद की फिर जब इसने आईपी और कंप्यूटर के प्रोजेक्ट सिलेक्ट किया मैंने कहा इसमें तो भाई मुझे बहुत मुश्किल होगी कहता है कि नहीं मम्मी आप बस मुझे बताते जाओ कैसे कैसे क्या करना है राहें मैं अपने आप ढूंढ लूँगा तो इसके लिए इसने बहुत NIT दिल्ली तक इसने चक्कर लगाए हैं जब ये नॉन मेडिकल बच्चे ने ली थी और ऐसा नहीं है कि ऐसे बच्चे पढ़ाई में 95% ही गॉट इन 12th क्लास वेरी गुड हाँ तो इन केमिस्ट्री लाइक आई एम अ मदर तो उसको 95 इन केमिस्ट्री सो इट वाज अ ग्रेट थिंग एंड नाउ आई कैन से दैट आई एम प्राउड टू बी हिज मदर राइट आप अपना नाम बताएं हां जी मेरा नाम गीता दहिया है हु कैन योर हिज फादर इज योर हस्बैंड इज नेम उनका भी और इनके पिता श्री अमरजीत सिंह दहिया वो एक फार्मासिस्ट है हमारा सो हाउ डिड यू फील दैट मोमेंट जब आप लोगों को पता चला कि ये इनको इससे सम्मानित किया जाएगा We had no words. It was evening. I was cooking food, and he came laughing. And after that, because of working on this project, he could not go through this IIT. मैंने उसके बाद इसको ज़्यादा खुश नहीं देखा था और जिस तरीके से हंसता हुआ आया उस वक्त वो कहता है मम्मी तो मैंने कहा नहीं तेरा हो गया है एंड वी वर वेरी हैप्पी खासकर इसके दादाजी एंड ही स्टार्टेड क्राइंग यू नो यस्टरडे आल्सो उन्होंने सारे बच्चों का देखा इसका ही नहीं और मैंने कहा पापा कैसा लगा कहते बेटे अपना तो सभी को प्यारा लगता है दो स्टूडेंट ऐसे थे कि उन्होंने इतना बहादुरी का काम किया है तो उनको देखकर भी वो कहते हैं कि ऐसे ऐसे बच्चे इतनी मेहनत कर रहे हैं और Thank you, Geeta ji, and Paritosh, and your entire family will inspire the Indians and the world over. Thank you so much Thank for speaking you, sir. To us. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Friends.
thanks. We have Yash Aradhya from Bangalore. He's won this award, Pradhan Mantri Bal Shakti Puraskar 2020 in the field of sports and in motor sports. Yeah. So now over to Yash. Yash, you tell us about your journey in this. Well, I started racing at the age of 9, and in the span of 8 years of racing, I've been 13 times I've won 13 championships, 65 race podiums, and few international podiums, and I've also been nominated by India to represent in a few World Series. So, which are the places you've been, and what you ride or drive? So I race a race car, that is, I'm doing the Formula 4 series right now. I graduated from go-karts to Formula 4, and I'm pursuing my Formula 4 right now, and I look forward to moving upward, and that's what I race, and I've been to a lot of places for my races across India, Asia and Europe, so there's a lot of places that I can talk about. Right, and what do you do now? What do you study? I'm in the 11th grade and I'm 17 years old, and I study in Bangalore at Bishop Cotton Boys School. Okay, so how was this moment when you learned that you're getting this award and it's a lifetime achievement kind of, you know? For any student, it's a dream come, like, yeah, you even don't dream of that, getting an award. Well, I was super surprised and excited because it came to me as a news all of a sudden one evening, and I didn't know how to react, and I was still in shock. I just couldn't believe it that I've won the Pradhan Mantri Rashtriya Bal Shakti Puraskar. So it was just an unbelievable feeling, and I just cannot explain. So who did you share with your news, the first news? News was given to me by my dad, so I received the news. Okay, so what's your father's name? Sujit Aradhya. Okay, what does he do? So he been my number one supporter. Yeah, therefore I want you to acknowledge that fact that your parents have been your strength. Yeah, so my family, my dad, mom, everybody has been there for me, and my sponsors mainly, who've been there since day one as well. And yeah, my dad's my biggest supporter. Okay, so. And what are your future plans? My future plans, well, other than motorsports, means in the field of education, what do you want to, you know? You want to go in for doctorate, or you want to become a scientist? Well, as far as I know about education, I'm still in 11th grade and I'm yet to decide. All right. So take your time. Yeah. And we wish you all the best from India. I think, as the Prime Minister Narendra Modi ji calls it, 1.3 billion Indians. Yeah. They're all there standing and they're wishing you. Thanks, Yash. Thank you. Lovely speaking to you. Thank you so much. Marissa, do बालिकाएं मैं बोलूँगा बाल पुरस्कार की विजेता जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 जिनको मिल चुका है राष्ट्रपति जी से कल राष्ट्रपति भवन में और आज ये रिपब्लिक डे परेड में दे हैव गॉन टू द परेड इन दिल्ली सो नाउ वी हैव गौरी विद अस एंड समृता शी इज़ फ्रॉम आंध्र प्रदेश शी इज़ फ्रॉम उत्तर प्रदेश तो जैसे आप देख रहे हैं कि देयर इज़ सब स्टेट से रिप्रेजेंटेशन है So first we'll speak to Gauri. You to speak about your award. Namaskar, मेरा नाम गौरी मिश्रा है और मैं फरुखाबाद उत्तर प्रदेश से belong करती हूँ. I have won this award in the art and culture field. I play the piano and I'm learning since I was a 4. I made a record in India Book of Records as well as many world record organizations like Record Setters India, World Records India as the youngest pianist when I was 9. And I am performing since 2014. I also got the opportunity to be awarded by the Delhi Pratibha Puraskar from Mr. Vijay Goyal sir. I've also been I'm doing concerts since a couple of years, and many dignitaries like Padma Bhushan Awardee Debu Chaudhary sir, Uma Sharma ma'am, and ICCR President Vinay Sahasrabuddhi sir, Jitu Shankar sir have also been there to my concerts. In my concert in 2017, I played Indian classical music on piano, which is a rare and unique thing to see. And for that experiment of mine with Indian classical music and piano, I was given a beautiful appreciation and blessings letter from our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, and I'm really thankful for him for that. And I would like to give all the credit of my award and my achievements to my gurus, Shri Neelranjan Mukherjee and Mr. Ramesh Jain sir, my parents, my family members, school teachers, friends, well-wishers, and also especially the Ministry of Women and Child Development for recognizing me for this award. Thank you. Great, Gauri. And have you met the fastest pianist in the world, Aman Bhatla? Yes, Dr. I
I have met Dr. Aman Batla, and I would like to tell you that he is my guru. Dr. Aman Batla is also my guru, and under his guidance, I had made the record as the youngest pianist. All right. So we regularly talk, and when I told him that I am getting this award, he was so happy, and he said that you made my year, you made my day. And once I get back home, he wanted to wish, he wishes to meet me as soon as possible. Right, thanks. You'll be here, standing for a minute. Now we'll come to this little girl from Andhra Pradesh. So you'll introduce yourself, right, as she's done. She's a very good orator. Thank you. So we look forward for Gauri to be in the Lok Sabha in the future. Thank you. So you start. Your name and your everything. You have to tell us. Sairam, I'm Akula Sai Samta from Andhra Pradesh. I study in the Satsai Vidyavihar School in 10th class. I recently achieved in 2018 as an Asian gold medalist and many more national medalists. Well, right now I have received 72 medals, and in which 55 are gold and 13 are silver, and four of them are bronze. I've started the skating issue in the years of four when I was kid, when my father joined me in this car. Skating. Right, good. And how was your movement today? Jab aap log wo jeep mein baith ke Delhi mein, you went to Delhi, no? Today in the Republic Day full dress rehearsal. So how was it feeling there today? Well, when I was seeing everything and shaking hands with others, it is such a new information and like new experience that everyone cannot get in Their life. It's a very proud moment for us, and we see your parents here, they are also shooting with their mobiles. And what's your future plan? We want to know what's your future plan, when we see you after 5 years, you know, so where will you, what are you doing, what are you studying, what do you want to be in the life? Well, this year we have Asian Championship 2020. Okay. So I would love to participate in that and of course get a medal in that and make my India proud. Certainly we get. I think so we are very proud of you. And now anything else, when you talked about your parents, you want to tell their names? Yeah, my father is Akula Pawan Kumar and my mother is Akula Krishnaveni. Okay. Well, so what are they into? The field of education? Are they teachers? Yeah. Both the teachers? Okay, good. So they are here with you today? No. They're not here? Okay. So you're come alone. So how is it feeling when you went to Rashtrapati Bhavan yesterday, the president? Well, not only everyone gets this opportunity. Well, few of them are selected from the achieving these medals. And I appreciate my school for supporting me in this stuff, and my parents for helping me in this profession of mine, where it is difficult for everyone to balance the studies as well as their professional life. Well, I thank everyone and the well wishers. Yeah, thank you. And Gauri, you want to say something for the youth of today? For the girls, especially. Yeah, sure. It has always been my dreams that girls take a step forward in everything. And as we know that under the Modi government, the women empowerment and Beti Bachao, Beti Padhao is extensively being spread out. But I believe that women are not to be empowered because they are the strongest and the most powerful beings in this world. Wonderful. They are capable of doing everything. So I believe that not only girls, but every child of this India, this developing country, takes a step forward and does everything with full compassion, dedication and commitment, and tries to make this developing country into a developed world, which is our new dream. Yes. And I would also say, I request humbly all the parents, please, please, please allow all your children and students and your kids to pursue and fulfill their dreams and let them do whatever they want to, and I'm sure that they'll make you proud one day. We are proud of you. My mother, Mrs. Amita Mishra, and I would like her to introduce herself in front of the world today. नमस्कार, मेरा नाम अमिता मिश्रा है. मैं गौरी की मदर हूँ और बहुत ही प्राउड मोमेंट है हमारी पूरी फैमिली के लिए.
और मैं प्राउड तो नहीं बोलूँगी, ये मैं तो यही बोलूँगी कि बहुत ही खुशी है हमारे पूरी फैमिली के लिए कि आज गौरी को ये अवार्ड मिला, जिसका पूरा श्रेय मैं ईश्वर को दूंगी, अपनी पूरी फैमिली वेल विशर्स को दूंगी, गौरी के गुरुज को दूंगी जिन्होंने गौरी का साथ दिया, और यही प्रे करूंगी कि वो ऐसे ही हमेशा साथ देते रहें पूरी, और गौरी सिर्फ अपनी कंट्री का ही नहीं पूरे वर्ल्ड में अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करे, ये हमारा ड्रीम है। अपनी खुशी और अपनी फीलिंग जरूर शेयर करना चाहूँगी कि गौरी ने अब तक जो भी अचीव किया, डेफिनेटली उसके गुरुज और हमारी पूरी फैमिली को श्रेय, बट इसके पापा मिस्टर रानू मिश्रा की बेहद मेहनत और लगन है, और मैं ये विश करूँगी कि हर बच्चे को ऐसे फादर मिले जो अपने बच्चों को स्पेशली गर्ल्स को जो इतना प्यार और प्रमोट कर रहे हैं। सो थैंक यू गॉड फॉर ऑल। थैंक यू। मैं गौरी से पूछना चाह रहा था कि आपके फादर और मदर का नाम लें और अपने ब्रदर जो भी आपके सिबलिंग्स हैं। या आई एम दी सिंगल चाइल्ड, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। आई एम दी ओनली चाइल्ड टू माय पेरेंट्स, दी ओनली प्रोडिजी, एंड दे कॉल मी एज देयर डायमंड एंड दे से दैट डायमंड्स आर ओनली वन इन दी वर्ल्ड, दी बेस्ट वंस। So my father is Mr. Ranu Mishra and my mother is Mrs. Amita Mishra. He has gone for some work. We'll meet him later. Yeah. You thank you so much. Thank you. And thank you. Thank you. Thank you so much. Small sweet girl. Thank you. I'm Akula Pavan Kumar. I'm an ex national champion. Also represented India in roller skating. Being as a coach, as a parent, I'm so feeling so great that every time I used to train my children, and some of them used to get awards from the government of India, and this time I got the opportunity for my daughter has achieved this. It's really a privilege for me, being as a father as well as a coach. I'm so happy. I'm glad that I'm not going to leave this, and as a coach, I will try to make my daughter. To make my country proud in the international arena. That'll be very great, sir. And as she says, she'll be going for the 2020 games. Yes, sir. So we wish all of you the best of luck. And jo Modi ji bolte hain our Pradhan Mantri, that 1.3 billion wishes with you, both of you. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you. Sai Ram. Sir Sumidhi Jaina hai, jo West Bengal se hai. Inko jo hai, Pradhan Mantri Rashtriya Bal Puraskar 2020 diya gaya hai. Inke saath inke pitaji aaye hue hain. And he's standing here. And Somyadeep, you want to know aapko kaise, how do you feel about the award, getting the award, the Bharatiya Puraskar? Kaise lag raha aapko? Mujhe bahut hi acha lag raha hai. Very good. So now we'll speak to your father. Aap batayenge thoda sa incident ke bare mein. Sir, ye February 2018 ko hua tha. To 10 February early in the morning, lagbhag 5:45 baje, तीन आतंकवादियों ने हमारा आर्मी कैंप, जो हमने जम्मू में पोस्टेड था, आर्मी कैंप संजुआ मिलिट्री कैंप में फैमिली क्वार्टर पे आतंकवादी हमला हुआ था। तो जो वहाँ पे जहाँ पे आतंक हुआ, तो पहला क्वार्टर हमारा ही था, तो मेरा फर्स्ट फ्लोर में क्वार्टर था। उस तीनों आतंकवादियों ने हमारे घर में मेन दरवाज़ा को बम से उड़ा के घर के अंदर घुसा। तो मेरा लड़का का वो इंसिडेंट देख के उसको ये पता चला कि हाँ टेररिस्ट आ गया है। तो उसकी मम्मी के ऑपरेशन हुआ, तो उन्हें दूसरे कमरे में सो रहा था, वो अपने सिस्टर के साथ दूसरे कमरे में सो रहा था। उन्होंने मेन दरवाज़ा तोड़ने के बाद उन्होंने कहा कि अपने सिस्टर को लेके मम्मी के कमरे जाके खुद को अंदर से सबको लेके बंद कर लिया। फिर उन्होंने अपने मम्मी को उठा के साइड कर दिया, सिस्टर को साइड कर दिया। उस कमरे के अंदर बक्सा वगैरह रखा हुआ था, तो उन्होंने बक्सा को खींच के दरवाजे पर ब्लॉक कर दिया। तब तक वो टेररिस्ट उस दरवाजे के पास पहुँच गया था। उस टेररिस्ट ने आके उस दरवाजे को तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन समुद्र ने कहा जैसे ही उसने लात मारना शुरू किया दरवाजे के ऊपर, उसने रोका। उसने ये सोचा कि कहीं दरवाज़ा ना ये खुल जाए, उसने दोबारा उसको ब्लॉक करके वहीं पर लेट गया। तो उन्होंने दरवाज़ा जब तोड़ नहीं पाया, उन्होंने उस दरवाजे के ऊपर से अंधाधुन गोली चलाया। जैसे गोली चलाया तो उसकी मम्मी बोल रही कि बेटा साइड में आ जाओ, बोले नहीं मम्मी दरवाज़ा नीचे टूट जाएगा। आखिर उन्होंने क्या किया, लास्ट में दरवाज़ा जब गोली से भी कुछ नहीं रिजल्ट मिला उनको, उन्होंने घर के अंदर फिर ग्रेनेड फेंका। तो ये हमें नहीं पता उसके ग्रेनेड का स्प्लिंटर लगा है या बुलेट का लगा है, लेकिन इसको सिर पर 2 गोली लगा है और चेस्ट पर भी 1 गोली लगा है, जिसके कारण इसको उधमपुर अस्पताल में भी इसको 2 टाइम्स ब्रेन का सर्जरी हुआ है। उसका उन्होंने रेफर किया आर्मी अस्पताल आरएनआर दिल्ली कैंट, जहाँ पे वहाँ पे भी उसका ब्रेन का 2 बार सर्जरी हुआ है। उस सर्जरी के होने के बाद मेरे बच्चे को आज की डेट पे बहुत मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, जैसे राइट साइड हियरिंग लॉस है, नीरो सर्जिकल इम्पेयरमेंट, इसका ब्रेन मेमोरी लॉस है, विजुअल भी बिल्कुल लॉस के बराबर ही है, और नेट साइड से पैरालाइज हो चुका है। लेकिन मेरा बच्चा अभी तक इसका हिम्मत नहीं हारा है, लेकिन आज भी मेरा बच्चा
एक क्लास एट में पढ़ता आर्मी स्कूल संजमा में, ये बहुत अच्छा बैडमिंटन प्लेयर भी था, बहुत क्लास लेवल गेम भी खेला है, लेकिन ये सपना इसका भी दिल के अंदर अधूरा बना हुआ है, लेकिन ये कोशिश तो करें कि मैं खुद खड़ा हो जाऊँ इन दी वर्ल्ड। हम लोग देखते हैं कि अभी ही अभी जैसे इधर आप लेके आए हैं, इनको पुरस्कार मिला है, व्हील चेयर पे हैं, तो हम लोग आशा करते हैं कि इनका जो ट्रीटमेंट है और सब लोग ट्रीटमेंट और जो दुआ ईश्वर का दुआ है, बिल्कुल बिल्कुल, से एक दिन ये हमारे तरह सबकी दुआ साथ में है, से तभी लड़का आज में खड़ा है। अभी भी इसका फोर्थ टाइम्स सर्जरी करने के बाद भी अभी भी इसके ब्रेन के अंदर अभी भी एक गोली का टुकड़ा है। ये बहुत स्टैमिना, हम लोग इनके आंखों में वो देख रहे हैं, वो जो देश के लिए इनका जो मर मिटने का एक जज्बा है, तो वी विश हिम ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। और आपसे जानना चाहेंगे थोड़ा सा और जो परिचय आपने दिया, एक तो इनका दिया और अभी जैसे आप लोग को जो अवार्ड मिला, तो वो आपको क्षण कैसे लगा, उसका जो मूवमेंट, हाउ डिड यू? सर इस अवार्ड से मुझे बहुत खुशी है, लेकिन सबसे बड़ी खुशी होगा कि मेरे बच्चे इस इंसिडेंट के बाद टोटली फिजिकली एंड विजुअली डिसेबल हो गया। दूसरी समय इसके ब्रेन के अंदर, लंग्स के अंदर अभी भी गोली का एक टुकड़ा है जो इसको लाइफ टाइम लेके जीना है एज पर डॉक्टर एडवाइस। तो हम तो ये चाहते हैं कि इस पोस्ट के साथ साथ मुझे बच्चे की रिहेबिलिटेशन के लिए गवर्नमेंट अगर कोई मदद का हाथ दे, ताकि जिंदगी भर लाइफ अपने जीने के लिए कोई सहारा मिल जाए इन एब्सेंस ऑफ हिज पेरेंट, तो इट विल बी बेटर एंड बहुत ही अच्छा होगा। थ्रू दिस जो आपका मैसेज है, हम लोग थ्रू द वीडियो विल अपील टू द मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जिनके अंडर मिनिस्टर ये डिसेबिलिटीज कर ले आता है, जो अपने मंत्री जी हैं थावरचंद गहलोत जी हैं, अपने मंत्री रामदास अठावले जी हैं, तो हम लोग आपका मैसेज देना चाहेंगे और एक हम लोग उनको अपील एक लेटर भी देंगे, बिकॉज दैट इज दी नोडल एजेंसी जो गवर्नमेंट का बॉडी है, बिल्कुल सही सपोर्ट करता है, अदर देन जो इनको क्योंकि पुरस्कार मिला है तो इनको जो खुशी मिल रहा है, मैं खुशी तो मैं बहुत मिला से कम से कम मेरे बच्चे को एक रिकॉग्निशन, कम से कम वो अपने जो ब्रेव काम किया है, हम बहुत खुश हैं इसके लिए। जो है इनका मैं देख रहा हूं बहुत स्ट्रांग विल पावर है, मैं तो बहुत वेरी स्ट्रांग विल पर्सन एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी होप टू सी यू वर्किंग very soon. Thank you, sir. And we hope to see him studying and reaching very good heights. Thank so you, I think thank you very much. Today we are proud to have Parikul Bhardwaj with us. She's a child of very brave parents. Unki mother right side mein hai, Dr. Saab abhi aa rahe hain, Dr. Pradeep Bhardwaj. Ma'am is also a doctor. And Parikul has been getting training under the BSF, Indo-Tibetan Border Police, जो मैंने आपका थोड़ा सा जाना, और अभी आपको यू गॉट दी प्रधानमंत्री पुरस्कार, जो बाल पुरस्कार 2020। टुडे यू वेंट अराउंड दिल्ली, आई वॉज जीप में ट्रैवल कर रहा विद योर अदर फेलो विनर्स 49। So how do you feel about that moment? That was a very proud moment for me, and that was very nice that I was able to participate in the parade. Yesterday you got the award from the president himself. Yes. हम लोग वो देख रहे थे जो आपने एकदम you came like a military person, you know, and मैंने आपका वो भी आप ही बताएंगे कि ये जो आप 14,000 जो आप इधर जाते हैं वहाँ पे, और आप लोगों ने वहाँ पे जो कुछ लोग यात्री लोग फंस गए थे, यू हेल्प देम आउट, तो क्या वो वाक्य था, व्हेन वाज दिस? ये तब हुआ जब आई वाज, इट वाज माय समर वेकेशंस इन जुलाई एंड वी वेंट विद आवर पेरेंट्स एट केदारनाथ इन माइनस टेम्परेचर 14,000 फीट। यस। सो देयर आई वाज वंस गोइंग विद सम ऑफ माय टीममेट्स टू द टेम्पल एंड देयर आई सॉ a lady with his family and they were stuck and she was not able to breathe, so I took her to the hospital and I told her to drink some water and I took right. That's great. Now we'll talk to your mother. So aap apna introduction dete hue aapko kaisa ye moment lag raha hai? You can share your good name. आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम डॉक्टर अनीता भारद्वाज है। yes. और मैं सिक्स सिग्मा हाई ऑल्टीट्यूड की मेडिकल डायरेक्टर हूँ। yes. हम लोग जितनी भी पहाड़ों में यात्रा होती है उन सब में मेडिकल सर्विसेज देते हैं। yes. हाई ऑल्टीट्यूड में जाके तो जैसे हम लोग जाते हैं तो अपने साथ में अपने बच्चों को, हाँ जी, जितने भी वेकेशंस होते हैं सब लोग कहीं कहीं घूमने के लिए लेके जाते हैं, लेकिन हम अपने बच्चों को अपने साथ लेके जाते हैं क्योंकि संस्कार जो होते हैं घर से ही मिलते हैं। एग्जैक्टली। और जैसे बच्चे की परवरिश होगी तो उसका फ्यूचर वैसा ही बनेगा। राइट। सो हाउ वाज दैट मोमेंट व्हेन शी गॉट द अवार्ड? और आप लोग तो लास्ट वीक से मैं देख रहा हूँ यू बीन विद हर,
और आज जो आप लोग गए और कल फिर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है डॉक्टर प्रदीप जी, या आपको कैसे लग रहा है? हमारे पास अपनी खुशी जाहिर करने के लिए शब्द नहीं है। उनके दादा भी हैं आर्मी कैप्टन, दादाजी भी आर्मी से ही हैं और सारे इंस्पिरेशन अपनी फैमिली से ही मिलते हैं, फैमिली की जैसा बैकग्राउंड होता है। तो हमारे पास इतने खुश हैं हम लोग कि बच्चा अगर इतनी छोटी उम्र में 13 साल में अगर बच्चे ने इतना बड़ा नेशनल अवार्ड अगर उसने लिया है, तो आप सोचिए जब वो 23 या 25 साल का होगा तो वो बच्चा अपने देश के लिए क्या करेगा। व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? माय फ्यूचर प्लान इज टू ओपन अ हाई ऑल्टीट्यूड इंस्टीट्यूशन इन अ वेरी बिग लेवल। ओके ग्रेट। इन इंडिया और यू वांट टू गो बियॉन्ड इंडिया? इंडिया, बिकॉज़ लद्दाख इज वन ऑफ द हाईएस्ट प्लेसेस इन द वर्ल्ड। हिंदुस्तान में कोई भी हाई ऑल्टीट्यूड का अभी कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, कोई डिप्लोमा डिग्री कुछ भी नहीं है। हाई ऑल्टीट्यूड का इंडिया में कोई स्कोप नहीं है अभी फिलहाल में। तो हम लोग चाहते हैं फ्यूचर में हम लोग एक हाई ऑल्टीट्यूड माउंटेन मेडिसिन का इंस्टीट्यूट एस्टेब्लिश करें और परिकुल फ्यूचर में उसको संभालें। ओके, एंड परिकुल आपकी और क्या एक्टिविटीज हैं इन स्पोर्ट्स? व्हाट स्पोर्ट्स डू यू प्ले? I do horse riding, archery and shooting. Okay, so horse riding in, where do you do horse riding? On the high altitude? No. Okay. And in Delhi, Canada. In Delhi itself. And do you drive? Do you drive a jeep? No, I don't. You don't drive. You don't have a license. I don't have a license. But you want to drive in the future? Yeah. Okay, and anything else? You play chess or jo bhi aap share karna chahe? There will be a lot of people wanting to look up. They look up to you, no? You're a source of inspiration for the youth of today. And जैसे मोदी जी बोलते हैं कि 1.3 billion people are wishing you at this moment, you know. Everybody is so proud कि काश हम लोग का बच्चा, हम लोग उसको संस्कार देते, काश उसने ऐसा कुछ किया होता, so they want to live that moment. So anything you want to send a message? I just want to thank everybody and okay, great. I think yeah, I think अलग करना चाहिए. Yes. And we should all try to do something different in our lives. Yeah, that's wonderful. So thank you, Parikul, and thank you, Dr. Anita Bhardwaj. Thank you. And we will speak. Dr. Sahib aage, sir, please join us, sir. I'm on the roll. We have Dr. Pradeep Bhardwaj. He's the proud father, and unki wife khadi hai. Yes. ही सच अ पर्सन, इनका जैसा मैंने वो नहीं देखा है, मतलब एक जज्बा जो हम लोग वॉर मूवीज़ देखते हैं ना उसमें जो आता है ना, वो फीलिंग जो हमारी एड्रेनलिन रन करती है जब मैं इनको मिलता हूँ, आई एम इंस्पायर्ड एंड आई एम वेरी प्राउड दैट परिकुल हैज मेड हिम मोर प्राउड टुडे। डॉक्टर साहब कुछ बोलिएगा। देखिए हमारा ऐसा मानना है कि बच्चे जो समर वेकेशन होती है उसमें अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं टीवी में, मोबाइल्स में, मॉल्स में घूम के। हम ये चाहते हैं कि पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कराएं समर वेकेशन में स्पेशली, और हम अपनी बिटिया को स्पेशली पिछले 3 साल से हाई ऑल्टीट्यूड में लेके जाते हैं और वहाँ पर ये इतना अच्छा सोशल सर्विस कर पाती है क्योंकि ये हमको देखती है कि पेरेंट्स हम लोग कैसे कर रहे हैं, और फिर जब ये देखती है तो उसी तरीके से कोशिश करती है करने की और लाइन में जाती है, वहाँ लोगों को दवाइयाँ देती है, लोगों को गाइडेंस करती है कि आपको कैसे दर्शन करने हैं, कैसे जाना है, कैसे कहाँ पर आपको मेडिसिन मिलेगी, कहाँ पर आपको खाना मिलेगा, इस तरीके की ये गाइडेंस दे रही है। जी डॉक्टर साहब, अभी जैसे यस्टरडे राष्ट्रपति जी ने इनको अवार्ड दिया जी, एंड आज ये लोग गए हैं फुल ड्रेस रिहर्सल में। 26 तारीख को ये लोग पूरे देश इनको देख रहा होगा और कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी जी, जी, तो आपको वो पल, मतलब आप उसकी क्या तैयारी कर रहे हैं? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते थे आगे आप क्या करना चाहते हो, हम हमेशा ये कहते थे हम राजपथ पे परेड करना चाहते हैं और राजपथ पे परेड वो मेरी बेटी ने करके दिखा दी। 26 जनवरी को भी ये करेगी, आज फुल ड्रेस रिहर्सल हुआ है, ये हमारे लिए राजपथ पे परेड करना बहुत ही प्राउड की बात है और स्पेशली बेटी के लिए एक मतलब हमारे लिए बीइंग ए पेरेंट इट्स अ वेरी बिग थिंग, बिग मूवमेंट एंड फॉर हर मदर इट्स अ बिगर मूवमेंट। यस, इसने पूरे परिवार का, हमारी सिग्मा हेल्थ केयर का, देश का और सबका नाम आगे बढ़ाया। आई रिमेंबर मीटिंग इनके जो आपके फादर हैं कैप्टन भारद्वाज, वे बोल रहे थे शी इज फॉलोइंग इन हिज footsteps, maybe she gets into the army in the future. Yes. अगर ये medicine पर आगे यही काम करना चाहती है, ये high altitude में further बड़े level पे medical services yes. देना चाहती है और एक बड़ा institution open करके ताकि हम अपनी इन यात्राओं को और easy बना सकें। That'll be wonderful. And she's a shy girl मेरे को लगा, but हम लोग फिर भी इनसे कुछ बातचीत कर पाए हैं और एक बार हम लोग आपसे request करेंगे कि इनका medal थोड़ा camera की तरफ। Sure. This Dr. Saab is an expert and he's so many medals are wearing, you know. And so turn bhi kar dijiye, so that the Ashoka, yes, this is the proud moment, the proudest moment for any parent
एंड मैंने इनको बोला परिकुल को, जैसे मोदी जी बोलते हैं 1.3 बिलियन विशेस, एवरीबॉडी इज वाचिंग, थैंक यू सो मच. वी हैव दिस अवार्डी विद अस जिनीशा, ये जो है शी इज गॉट द अवार्ड इन द कैटेगरी ऑफ स्कॉलिस्टिक्स. इनके मेंटर हैं, इनकी दादी हैं और आप इनके भैया पापा. ओके, सो मैंने कहा ठीक है, तो अब इन्हीं से जानना चाहेंगे, ये जो पुरस्कार आपको मिल रहा है कल राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020, आपको कैसा लग रहा है? मतलब इट वॉज द लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, मतलब सबसे बड़ा अवार्ड है जो, इट वॉज अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़ा अवार्ड मिला है तो खुशी तो बहुत हो रही है. Okay. और दादा दादी है, पापा साथ में थे, मेंटर साथ में थे, तो और भी ज्यादा खुशी. एक्सीलेंट. और आपके मेंटर, उनके बारे में बताएंगे आप, फिर वो उनको, हम लोग उनको भी बोलेंगे कि वो भी बोलेंगे थोड़ा सा. मतलब इनसे मैंने पढ़ना सीखा, सेवन में इनने मुझे मतलब पढ़ना सिखाया, मतलब इनसे मुझे पढ़ने में इंटरेस्ट आया, मैथ में इंटरेस्ट आया, तभी मैं इतने ओलंपियाड दे पाई और आज इतने आगे पहुंच पाई. ओके, ओलंपियाड आपने किस में दिया, किस चीज में? मैथ्स में दिया था. मैथ्स ओलंपियाड, ऑलराइट. बिकॉज अब ओलंपियाड मैंने भी दिया था अपने स्कूल के, बट देयर इज एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड इन देयर सो मेनी, सो वी लाइक टू मेंटर्स, आपका नाम बताएंगे और मेंटर्स आपको बोलेंगे, प्लीज यू से समथिंग. मायसेल्फ समीर शर्मा. अल्टीमेटली ऑल द थिंग डिपेंड्स ऑन द स्टूडेंट्स पोटेंशियल एंड हिज हार्ड वर्क. सो बेसिकली काफ़ी हार्ड वर्किंग थी, गाइडेंस मिला और इसने उसको फॉलो किया, दैट्स इट. तो ऑटोमेटिकली सारी सफलताएं पास. एक्सीलेंट, ठीक है. तो अभी आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आजकल के युवा को, जो ज़्यादातर यू नो पीपल आर बिजी ऑन द नेट, बट नेट से वी आर लर्निंग, गूगल से वी आर लर्निंग, तो व्हाट इज़ द न्यू मैसेज आप स्प्रेड करना चाह रही हैं, जिससे कि जो 49 इस साल है और जो अगले साल है वो आप लोग को सुन के, आप लोग को देख के यू नो वो अपना करें. सो व्हाट्स द मैसेज? सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूँगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब वन शुड नॉट डिसाइड हिज और अ पाथ, बट सीइंग अदर्स, वी शुड सी आवरसेल्फ, सी आवर इंटरेस्ट एंड डिसाइड व्हाट वी वांट टू डू, एंड वी शुड नॉट बी, हमें डरना नहीं चाहिए चैलेंजेस से, क्योंकि जब हम खुद को चैलेंजेस से एक्सपोज करेंगे तभी हम अपना रियल पोटेंशियल को जान पाएंगे. right. तो हमें मतलब डरना नहीं चाहिए. आपका लास्ट क्वेश्चन मेरा है, क्योंकि काफ़ी लोग हैं, तो आपका व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर? फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू इंडिया को प्राउड, इंडिया का नाम yes, अच्छा करना yes. चाहती हूँ, इंटरनेशनल मेडल लाके और जे जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम उसके देंगे, अपीयर करेंगे उसमें बहुत अच्छी रैंक से आईआईटी बॉम्बे जाना चाहती हूँ. ओके, व्हाई आईआईटी बॉम्बे स्पेसिफिकली? पीपल आर हैप्पी विद आईआईटी दिल्ली, मींस गुजरात के लोग शायद क्लोज है. जैसे मेरे भैया जो है वो भी आईआईटी बॉम्बे में पढ़ते हैं और आईआईटी बॉम्बे इज द टॉप ब्रांच ऑफ दिल्ली. बॉम्बे पर हम लोग सोचेंगे आईटी दिल्ली इज द नंबर वन. दैट्स गुड. सो वी विश यू ऑल द बेस्ट. एंड अभी आपको जो कल राष्ट्रपति से तो पुरस्कार मिला, कल प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होगी आपको, और हम लोग जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि 1.3 बिलियन इंडियंस, तो मैं बोलता हूँ कि वो 1.3 बिलियन इंडियंस इस समय आपको विश कर रहे हैं. थैंक यू. टुडे वी हैव दिस यंग गर्ल फ्रॉम आंध्र प्रदेश, शरण्या, and she's from Vishakhapatnam. She's winner of the medal which has been given to her yesterday by the President of India. Yeah. The Pradhan Mantri Puraskar, Bal Puraskar 2020. So how do you feel about this, getting the medal? I feel very proud and happy that I have received the award by the hands of President of India. And tomorrow you're meeting the Prime Minister of India. Yes. Narendra Modi ji, jo bolte hain ki 1.3 billion Indians. So sab wish kar rahe hain aapko, they're wishing you now. You have your proud mother with you. Yes. So ma'am, would you just want to say something? Aap apna introduction kariye. My name is Swati Mudundi. Yes. And I'm a homemaker. You're a homemaker. Yes. So you're very proud when she told yes. you about this. Yes, yes. I felt very proud and happy that it is a proud moment for Vizag, also Vishakhapatnam. Yes, it's a proud moment Pradesh. For everybody. Yes. So what are your future plans? My future plans are to participate in more cultural events and also to represent India in more culture. Okay, and what sports do you play? I play basketball. Yeah, you look tall for your age, you know. And karate also. Karate you do? I also learn karate. Okay, and anything else you read? What papers do you read? Do you read any newspapers? I read books. You read books. So you want to share any book for the friends who are listening to you today? I would recommend a really good book called Matilda by Roald Dahl. All right. And now coming to the event, like you're, you know, on 26th, you're going to go to the 26th Republic Day yes. Parade.
Today you went for the full dress rehearsal. Yeah. So how was that moment? Kaise laga? How do you feel about it? You're sitting with 49, all your 48 people. Kaise laga? How was I that moment? I felt very excited, and also I'm very excited for the Republic Day because I've never achieved or experienced that. So it is a very proud and happy moment. It's a proud and happy moment. So we wish you all the best for your future. And we hope to see you on 26th. The world will be watching all of you. Thank you. हमारे साथ जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 के विजेता चिराग फलोदकर के हैं, उनके पिताजी और उनकी माताजी, जो चेहरे पे हम लोग चमक देख रहे हैं और उनसे वो बयान नहीं कर पा रहा हूँ मैं, तो पहले शायद माताजी से शुरू करते हैं, चिराग के पास बाद में आएंगे। आपको कैसा महसूस हो रहा है आज? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि इसको राष्ट्रपति के द्वारा अवार्ड मिला गया। हाँ जी, और मैं बहुत खुश हूँ। एक्सेलेंट, वो दिख रहा है तो इसलिए मैंने कहा आप रोक नहीं पा रही। एंड सर योर नेम? यस, मेरा नाम पवन कुमार फलोर है। हाँ जी सर। और मैं भी बहुत बहुत खुशी हुई मुझे ये जब पता चला कि मुझे इसे राष्ट्रपति के हाथों से कल वो जो आप लोग गए वहाँ पे अशोक हॉल में। हाँ जी, बाल पुरस्कार मिला है जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और अभी प्रधानमंत्री से भी मिलेगा, कल मिलेगा। और आज ये लोग पूरा दिल्ली ये लोग ने देखा है, पूरे वर्ल्ड इनको देख रहा है। यस यस। सो चिराग, कमिंग टू यू, you won this award for scholastics, right? Yeah. So now we like to know from you, like, how was this moment jab aapne apne parents ko share kara ki I'm getting this award, and you know, matlab wo log soch rahe honge mazak kar rahe ho ja kya tha unko tha ki mil raha hai. To jab mail aaya ki mujhe award milne wala tha, tab main bahut khush tha. मैंने अपने पेरेंट्स के साथ शेयर किया और सब बहुत खुश थे, मतलब पार्टी का माहौल था। right. और फिर ये अवार्ड मुझे अपने ओलंपियाड के अचीवमेंट के कारण मिला। Are you Olympiad? You, maths Olympiad? नहीं, एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड। Okay, astronomy, wonderful. So, तो मैथ्स कॉम्पिटिशन में भी फर्स्ट रैंक आई और एस्ट्रोनॉमी ओलंपियाड में मैंने इंडिया के लिए 2 गोल्ड मेडल लाए। All right. जो हंगरी में ऑर्गेनाइज हुआ था। एक्सीलेंट। एंड वेयर डू स्टडी, अपने स्कूल के बारे में थोड़ा सा बताएंगे? हाँ, मैं अभी दिल्ली में पढ़ता हूँ, प्रगति पब्लिक स्कूल द्वारका में। All right. Which class are you in? और मैं अभी क्लास 12th में हूं। 12th में। और आपके प्रिंसिपल, who's the, your principal? मिस गीता कुपर हमारी प्रिंसिपल। She will be very proud. Yeah, she is very proud. That's going to be a big feat for the school, ना? वो लिखेंगे हर जगह कि हमारे स्टूडेंट्स को अवार्ड मिला। So that's another moment for our parents. I wish your principal was also here. And what are your future plans? Future plans, I wish to complete a PhD and then go to ISRO to work there. You want to go to ISRO? Yeah. Wonderful, lovely. So we wish you all the best. I was interviewing some other awardees. So I was telling them, there was this girl, she was such a good speaker. I said that you will become a Lok Sabha speaker after that. And one of the people, he's won the award for innovation, the boy, Paritosh. So I said to him, do you want to go to ISRO? So I got ISRO wale hi mil gaye. That's good. So we see you in the space, in the future. Yeah. And anything else you want to spread the message? कोई youth के लिए कोई message देना चाहेंगे आप? Yeah, like just study hard because study is what makes the difference in the end. Right. And research should be more of we should specifically research more in nowadays time. Oh, as right. Science is improving. Okay, good. And you're tall. So what sports do you play? How do you get this height? You're taller than your father. Badminton. I play badminton or do cycling. Okay, you do cycling. Yeah. So how many do you cycle in a day? Like I regularly cycle like half. Really? An hour. Okay. Yesterday we met one of the cyclists. He's the Provident Fund Commissioner in Delhi, Mr. Rizwan. So he says that I cycled 65 kilometers. Oh my God. कल पूसा इंस्टीट्यूट में एक प्रोग्राम था जिसमें वो भीखा जी ऑफिस से साइकिल पे आए, वो बोले घर से मैं साइकिल पे जा रहा हूँ, एंड ही इज वेयरिंग द साइकिल हेलमेट, यू नो, जो साइकिलिस्ट पहनते हैं। एंड वो बोलते हैं कि वन शुड बिकम अ साइकिलिस्ट फर्स्ट, गुड हेल्थ, यू नो। एंड सो इसलिए मैंने बोला कि साइकिलिस्ट हमें मिल रहे हैं, सो दैट्स गुड, बिकॉज इंडिया इज गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम इन द फ्यूचर, ना, द वर्ल्ड इज गोइंग टू फेस द प्रॉब्लम। सो इफ यू आर अ साइकिलिस्ट, इलेक्ट्रिसिटी एंड द एनवायरनमेंट, हाँ जी, एनवायरनमेंट के लिए, राइट राइट। और आपने अपने पेरेंट्स को जो प्रॉमिस करा, मतलब ये तो बिना प्रॉमिस के ही हो गया ना अवार्ड, तो अभी आपने क्या प्रॉमिस करा है इनको? प्रॉमिस किया कि पढ़ाई अच्छी करूंगा और अवार्ड्स लाऊंगा। और अवार्ड्स लेंगे, ग्रेट। एंड यू वन सम मेडल्स, गोल्ड मेडल्स, देश का नाम रोशन करेंगे। हां जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं सर, बोलिएगा। यस, नहीं, इसका पढ़ाई में डेडिकेशन था, नॉट ओनली पढ़ाई, इसको नॉलेज गेन करना इंपॉर्टेंट लगता है। उसको बोलता है कि जब हम कुछ नॉलेज गेन करेंगे तो उससे हम कुछ ऐसा आविष्कार करेंगे जो कि वर्ल्ड वाइड में यूज होगा,
और जिससे कि जो आम जनता है उनको और ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है. एक्सीलेंट. तो आज के डेट में जैसे कि फॉर एग्जांपल जाने को इफ यू हैव टू गो टू मून वी आर थिंकिंग इट्स वेरी कॉस्टली बट इफ यू कैन डू समथिंग इन दैट लाइन की पीपल कैन गो अबव द अर्थ एंड कैन लीव someday lies there right, in right. the space. Yes. In maybe space station. Right. And at a cheaper rate. At a cheap. What can be done? Yes. So those inventions may be. Everything is possible. Everything is possible. We are having driverless cars, cycle are here. Yes. So nothing is impossible. Nothing is only impossible. The time matters. But right. for that, if we have to do earliest possible, we have to gain the knowledge earliest. Right. So he is preparing for that. Ki let's, I have the do higher study. Right. Currently, like in the class 9, 10, you are studying 11, 12 classes book. Yes. In 11, 12, he is studying like graduation books right now. Excellent. So getting the knowledge of the faster right. so it can be utilized as early as possible right. and the, it can be made the attempt to make the things in right time. Right. मेरे एक सवाल आ रहा है जैसे अभी जिन बच्चों से हम मिल रहे हैं तो जो हम किसी से मिले तो उसने कहा कि आई एम अ ओनली गर्ल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स तो इनके कोई ब्रदर सिस्टर सिस्टर है अच्छा सिस्टर है शी इज नॉट लाइक शी स्मॉल टू हर सिक्स स्टैंडर्ड हां तो मैं मतलब मैंने इसलिए पूछा मैंने कहा क्योंकि क्या है जितने भी लोग देखेंगे ये इंटरव्यू तो उनको रहेगा कि देखो हम लोग भी क्या कर रहे हैं जो हमारे बच्चे आगे चल के यू नो और आपके घर में तो मतलब एक ऑलरेडी है और वो आपकी जो इनकी सिस्टर है शी ऑल्सो लुक अप टू हिम कि भी मेरे को भी विन करना है So, ये ऐसा है कि आई फील दैट वी शुड नॉट आस्क एवरीवन टू बिकम द वन थिंग लाइक आई एम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर मैनेजर सो आई मे बी थॉट इसको मैं सॉफ्टवेयर डेवलपर मैनेजर बना बट आई नेवर आई जस्ट फील दैट ही हैज द इंटेंस टू लर्न दैट एस्ट्रोनॉमी द व्हाट आर द प्लैनेट्स व्हाट आर द स्टार्स हाउ दे मूविंग व्हाट चेंजेस हैपनिंग इन द अक्रॉस द सो आई गिव हिम द इन द वेरी लाइक यंग एज एट द क्लास 8 ए बिग टेलीस्कोप लेट्स यू So we'll come to your house that. and yes, let's see the telescope someday. And we have, I spent lots of night with him in the night also. Right. The whole night. वो देखते हैं ये जो अभी चंद्र ग्रहण. ये तो एकदम he records everything, takes the snapshot right. from there. So we'll have to stop it at this, sir. Yes, yes. Because sir. I think we have to meet yes, the more people and then go award milne press conference Yes. So thank you very much. Thank you, sir, for your time also. Thank you, friends. Good evening. We have Divesh with his parents. Divesh is from Gujarat. And he's won this. Sorry, He's from Maharashtra, and he's got the award for scholastics. Yes. Right. So Divesh, बताएंगे ये जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 आपको कल राष्ट्रपति ने दिया राष्ट्रपति भवन में और आप जा दिल्ली में जीप में आप इंडिया गेट और पूरा आपने फुल ड्रेस रिहर्सल में भाग लिया तो आपको कैसा लग रहा है? I'm feeling very proud to be here and getting such a big honor and. I got this honor means this is a great honor that I got from the country. Right. Actually, I got this honor from the country. Yes. The whole country like is honored. The PM says ki 1.3 billion Indian population wo abhi aapko wish kar rahi hai. Yes. You can imagine that, you know. You can see those hands, right? So of course you can imagine that how big honor is that for a student. Where are you from? Which school? Can you name your school and your principal? I am from RH Patel English Medium School. Okay. Where is it located? It is located in Jaigaon. Yeah. Bawarde actually near Jaigaon. और आपके principal कौन है? Because आप उनको भी हम लोग thank करना चाह रहे हैं इधर से. My principal is Jayashree Patel ma'am. All right. And she is very nice ma'am. She is very cooperative. We are waiting for you to return to school and welcome you. Yes, they are waiting. जैसे होता है cricket superstars when they come to the airport, so everybody is waiting. Now we'll speak to your parents, ma'am. Your mother and your father. Ma'am, अपना introduction देते हुए आप बताएंगे आपको कैसे वो क्षण जब इन्होंने बताया आपको कि he is getting the award कैसे फील हुआ? मुझे बहुत एक्साइटमेंट हुआ कि अरे इतने छोटे उम्र में मेरे बेटे को इतना बड़ा अवार्ड मिल रहा है। हाँ, मैं देख रहा हूँ। आप क्या करते हैं मैम? मैं खुद इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ओके एक्सेलेंट। तो आपका नाम भी बता दीजिए कैमरे को। मैं मिसेस पल्लवी भैया देवेश की मम्मा हूँ। हाँ जी। एंड सर पंकज भैया। ओके सर आप क्या करते हैं? ओके एक्सेलेंट आर्किटेक्ट। तो आपको कैसा वो पल लगा जब इन्होंने बोला कि आई एम गेटिंग दैट अवार्ड व्हिच नोबडी कैन ड्रीम ऑफ? इनका बेसिकली रात को मेल आया। ओके रात को भी दो तीन दिन सेलिब्रेटेड आप लोग ने सब रात को फोन वोन करना शुरू किया हमने राइट हम दो तीन घंटे तो मतलब कुछ बोल ही नहीं पा
बोल ही नहीं पाया क्या क्या हुआ है. यस यस आई थिंक दैट जो मूवमेंट है सच अ प्राउड मूवमेंट फॉर द पेरेंट्स फॉर हिम. और आगे क्या फ्यूचर प्लान्स हैं आपके? माय फ्यूचर प्लान्स आर टू गो इन एंड स्टडी एंड परस्यू माय फर्दर एजुकेशन इन सम गुड foreign colleges such as MIT and Stanford and then return to India. ये बड़ा अच्छा करा आपने ऐड करके. मैं पूछता कि would you like to return or would you like to stay there? You'll return. No, no, that's good because अगर आप you were doing something and you come back to your country, जो country has made you today proud, ना? So that'll be a very good moment for you. Yes, so wish you all the best. Thank you so much. Bye. Thank you. Namaskar. Namaste. Today we have Siddharth with us. He's from which place you said? Kerala. Kerala. Trivandrum. Trivandrum. Yeah. So he's in the sixth class and he's got the medal, the bravery medal, which we are seeing here from the President of India yesterday. Right? Scholastics. So, scholastics, yeah. No, you got the award from the President of India. President. So how was that moment when you got the President gave you that award? I was very excited because I never thought that I could reach such heights. Okay, wonderful. Yeah, so it's something you never dreamt of and nobody dreams of, you know, getting an award. Means until you participate in a competition. And we have your parents. So we have Dr. Saab with and Kumar Gopal. Yes, Dr. Kumar Gopal is there with us. So Dr. Saab, you want to say something at this moment when he shared with you kaisa laga, how did you feel about it? Oh, I feel really proud that we could attain something like this. Okay, not great. Something that we ever dreamt of. Yes, exactly. And ma'am, how do you feel about it? Very proud and very happy. Very happy, true. So what are your future plans? My future plans are to be an entrepreneur in the e-commerce stream. E-commerce? Okay, so you want to set up another Amazon and Alibaba, so they need to, you know, they have competition. Yeah. So next 10 years you'll be hitting them hard. That'll be great. Anything else you want to say for the youth of your country? Any message you want to give it? I just want to tell that there is no shortcut of success other than hard work. Other than hard work, all right. And where do you study? Which school? St. Thomas Residential School. St. Thomas Residential. So who's your principal? Mr. Bebekuti P. Rajan. Okay, so you took his blessings before coming to Delhi. You met him? You met your principal? Yeah, I met my principal before coming to Delhi. Once you go back, so the school is waiting for you to wish you and to celebrate that occasion, right? Yes. Okay, thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Friends, we have Tanish Goyal from Delhi with us, from the capital. He's got the award today, yesterday, from the President of India. Now we'll ask him himself, how did he feel about the award? That moment when you told your parents, I see them smiling. It was a very proud moment for sure. Yes. I was really, really obliged to receive the award. And it is a once-in-a-lifetime opportunity and I hope to make the most of it. Yeah. So, which school you study in? I study in DPS Arkipuram. You're at Arkipuram? Yeah. Okay, so Arkipuram must be celebrating. Yeah. You've got some past seniors, anybody who's got it in DPS Arkipuram? One child got it last year. I don't remember. Last and, year? And one more child got it this year. Okay, so is it some sort of inspiration? Yeah, I guess. You guess, okay. And so what do you want to share for the youth of today? For the youth of today, I'd like to share the value of hard work because it really pays off, like it has for me. Right. And I'd want them to take the additional step and never back off just because they think they can't do it. Right. Because at the end, some things might happen, some things might turn in their favor, and they might actually work things out and get the things they deserve. So what are your future plans? What do you want to do? Where do you want to I want now, to like 5 years. Yeah, so I want to study in artificial intelligence and machine learning. Okay. Yeah. Very good. Very good. Yeah. And so that I can implement my project completely. Okay. For which I got the award. Okay, great. So now we'll talk to your parents. Yes, sure. Ma'am, you can introduce yourself. Yeah, I'm Shipra. I'm Shipra. The proud mother of Yes. And you're a housemaker or you know? No, I'm heading the construction division of Investor Clinic. Oh, and good. I am also Mr. Hani. Yeah, is Mr. Hani. That name is quite popular. Yeah. And we have Mr. Goyal, sir, smiling. Yeah. So yourself, you can introduce and speak to the camera. I'm Puneet Goyal and I work as a CEO for a renewable energy firm. All right, wonderful. So main dekh raha hoon wo chehre pe aap log ki khushi. And there's nothing else I can ask you today. And he's made you proud and he's made us proud and the country proud. So we wish all of you the very best.
बेस्ट एंड वन मोर थिंग आई वॉन्टेड टू आस्क यू जब आपको ये कल राष्ट्रपति जी ने पुरस्कार दिया द यू नो सो हाउ वाज दैट मोमेंट काफ़ी रीगल जैसे होता है ना एक फियर हो जाता है सडनली यू फील की दे आर गोइंग टू कॉल माई नेम कि आपको जब नाम अनाउंस कर रहा होगा तो वो एक चिल बॉडी में हाँ वो तो होता है यार अभी हो रहा है पूछते हुए काफी रॉयल था राष्ट्रपति भवन में पहली बार गया था एंड वहां पर ये अवार्ड रिसीव करना तो मेरा सपना है टू हैव लंच एंड डिनर एंड यू नो मींस द हू इज हू ऑफ द कंट्रीज या देन एवरीबॉडी द पीपल फ्रॉम द मीडिया या एंड द नेक्स्ट फ्यू डेज आई वुड से पीपल विल बी फॉलोइंग यू अक्रॉस या एंड देन यू विल बी इन द बुक्स ऑल बुक्स यू नो मेकिंग यू रॉयल एक्चुअली या या इट्स perfect you know it's something very proud moment yeah hum log bhi we I as a child went to this Republic Day parade but kabhi khayal aaya nahi ki matlab can we do it because delhi mein rehne walon ko kuch lagta nahi ki bravery award hame kahin milega kya bravery karke dikhayenge hum but these people have got it and it's proud for us thank you sir. meeting number have you exchanged yes sir Venkat hai jo Puducherry se aaye hain ye kendriya vidyalaya ke vidyarthi hain इनको पुरस्कार मिला है जो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 सो नाउ वील टॉक टू वेंकट वेंकट सुब्रमण्यम हैज गॉट द अवार्ड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर दैट थैंक यू सो वी वांट टू नो हाउ डू यू फील टू गेटिंग दैट अवार्ड या आई डिडंट थिंक आई विल गेट दिस अवार्ड एंड आई फीलिंग वेरी हैप्पी टू गेट दिस अवार्ड व्हाट क्लास डू यू स्टडी इन वेंकट आई एम स्टडीइंग 11th स्टैंडर्ड यू स्टडीइंग द 11th स्टैंडर्ड एंड व्हाट सब्जेक्ट्स डू यू हैव I have commerce stream. You have a commerce stream? Okay. You've got the award in which category? Scholastics. Scholastics. So there are eight awardees. Out of the total 49, eight have gotten scholastics. Yeah, yeah. Right. What are your future plans? My future plan is to play for India Paralympic. Paralympic. Why para? Because I'm handicapped. Really? I didn't know that. Oh, I've not seen that. Okay, so can you raise this? Ooh, lovely. Vinay, Kaushal, can you capture? He's a parallel person. Great. I have not seen that. And this is no handicap. So we wish you all the best. Okay, I will speak in Tamil. You speak in Tamil? You know Tamil? Yeah. Speak in Tamil. So your father? No. Please. எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு இந்த அவார்டு வாங்கினதுல என் பையன் வாங்கினதுக்கு நான் எல்லாருக்கும் என்ன சொல்லிங்கன்னா இந்த ஸ்பெஷல் சைல்டு பிள்ளைங்களை எதுவும் முடியாதுன்னு சொல்லக்கூடாது அவங்களால முடியல அவங்களால முடியலன்னு சொல்லணும் என்ன சொல்லணும் ஆக்சுவலி ஐ எம் ஃப்ரம் புதுச்சேரி மை ஐ எம் கெட்டிங் train for badminton for yes, para olympic yes, very good my coach I'm in the Guruvalia badminton club oh very good excellent my coach Ganapati coach is training for me free of cost oh excellent and when was this injury took place this is not an injury okay. by birth, the left hand yeah so you've got this prosthetics done Where did you got this prosthetics? Yeah, I want to tell you this one also. In Chennai, Meenapakam, there is a center called Mukti. Where You've done it? Yeah. Okay, very good. They have do this weightless hand. This is weightless hand. Oh, yes. And leg also they are doing okay. for that People. Leg. Yeah. Very good. And we'll see your medal, show it to the camera. This is the proud medal and you can turn it around. This is a big symbol of India, the Ashoka symbol. So we wish you proud again. We wish you all the best. And as our Prime Minister says, 1.3 billion Indians are wishing you at this moment. Thank you, everyone.